दोस्तों, अगर आपका एक फैक्ट का यूट्यूब चैनल है और आप अपनी फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब के थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप बताऊंगा कि जो इट्स फैक्ट यूट्यूब चैनल है वो थंबनेल कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए सिंपली से आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको तो आप जानते ही होंगे, पिक्सल लैब। दोस्तों, आपको सिंपली से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद जो है टेक्स्ट है ऊपर से, दोस्तों आपको इसको डिलीट कर देना है। फिर नीचे चौथे नंबर पे आना है, इमेज साइज पे जाना है और यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल का रेशियो सेलेक्ट हो चुका है। ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उनकी इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से अगर क्रॉप करना चाहूँ तो इसे कर सकता हूँ, आप भी करना चाहते तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कम से कम दो इमेज तो चाहिए होगी, क्योंकि आप जो फैक्ट वीडियो बनाएंगे उसमें दो इमेज तो कम से कम रिलेटेड होंगी। तो आपको कुछ इस टाइप से इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपको जो दूसरी इमेज है उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इस इमेज में भी आप थोड़ी बहुत क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप क्रॉप कर सकते हैं। फिर आपको राइट टिक करना और आपको कुछ साइड में ऐसे ले आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेन दिक्कत आएगी कि इसके साइड को एडजस्ट करने में, तो आपको इसे थोड़ा छोटा करके इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ऊपर आप देख सकते हैं आपको हरा हरा दिख रहा है, बट मैं उसको आपको हाइड करना बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो ये वाली इमेज है इसको आपको ऊपर ले आना है इसके, तो इसको ऊपर लाने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं, आपको ये थ्री डॉट के नीचे एक डब्बा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसको ऊपर लाने के लिए आपको कुछ इस टाइप से स्लाइड करके ऐसे कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी नरेंद्र मोदी की इमेज थी वो इस फोटो के ऊपर आ जाएगी। ऐसे करके आप दोस्तों कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आपको सेप्स पे जाना है। सेप्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ले आना है और इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है। इतना बड़ा सेप रखने के बाद आपको कुछ इस टाइप से जो हरा वाला पोर्शन आपको दिख रहा था उसको हाइड कर देना है। तो आपको ये थोड़ा बड़ा ही रखना है, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा हमने रख लिया है। अब सिंपली दोस्तों आपको राइट टिक कर देना है। फिर जो आपकी पहली वाली इमेज थी आपको इसे नीचे ड्रैग कर लेना है, ऐसे करने के बाद जिससे आपका सर्वर ना कटे आपके टेक्स्ट की वजह से। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आधा काम तो हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों आपको जो पहली वाली फोटो थी इसका जो स्ट्रोक है आपको इनेबल कर देना और जो इसकी विड्थ है उसको दोस्तों आप 4 से 5 तक रख सकते हो। और आपको कलर दोस्तों ब्लैक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर हो चुका है। अब आपको इसी फोटो का शैडो भी इनेबल कर देना है। शैडो इनेबल करने के बाद आपको जो इसका एक्सपोजर है उसको थोड़ा इसको 9 या 10 पर आप रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं वाई पोर्शन को भी मूव करना तो वो भी कर सकते हैं, बट दोस्तों वाई वाला कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा इसमें। आप एक्स वाले को मूव करके रखिएगा और ब्लर रेडियस भी आप 10 के आसपास ही रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है हमारा देखने में। अब दोस्तों ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है जो हमने शेप पे ऐड किया था। तो इस शेप वाले के आने के बाद आपको यहाँ पे कलर इनेबल करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली से इसका कलर इनेबल कर देना है। अब जो इसका कलर रखना है वो आप येलो भी रख सकते हैं या फिर जो भी आपको पसंद है कलर वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप येलो रखते हैं तो आपको काफी अच्छा कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने येलो कलर रख लिया है, आप भी येलो जरूर रखिएगा, इससे आपका जो थंबनेल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इसका भी शैडो इनेबल कर देना और जो इसका वाई वाला पोर्शन है इसको थोड़ा दोस्तों आपको नीचे कर लेना, यानी आप इसको भी 10 पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी शैडो इनेबल हो चुका है जो हमने सेप ऐड किया था। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो सबसे पहला वाली फोटो है अगर आप उसका कलर फिल्टर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई कई फोटोज पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इसकी वजह से दोस्तों आप इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी ह्यू सिचुएशन वगैरह कम ज्यादा कर देंगे, तो इससे जो आपका फोटो का कलर है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कॉपीराइट आने में बहुत ही मुश्किल चांस होता है कि आपकी फोटो पे कॉपीराइट क्लेम आए। तो दोस्तों आप भी ऐसा करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सारी फोटोज का कलर थोड़ा अलग कर लीजिएगा, यानी हल्का सा ह्यू सिचुएशन बढ़ा के इसका जो थोड़ा सा कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, आप कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सारा काम हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ए जैसा बना होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर टेक्स्ट पे जाना है, फिर दोस्तों जो भी आपकी वीडियो का टाइटल है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, तब तक मैं अपने ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ जब तक मैं इस टेक्स्ट को लिख रहा हूँ। तो सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आपको कुछ इस टाइप से इसे थोड़ा रख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर माई फॉन्ट्स पे जाना है। अगर आपको कस्टम फॉन्ट इंस्टॉल नहीं करने आते तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो इंग्लिश वाला है उसका आपको फॉन्ट अलग रखना है और जो हिंदी वाला है उसका फॉन्ट अलग रखना है। इससे दोस्तों आपका जो टाइटल है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस टाइप से रख लिया है। अब इसको दोस्तों आप चाहे तो थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो इमोजी भी लगा सकते हैं, इमोजी से जो आपका टाइटल है वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे चलिए मैं जिस हिसाब से भी इमोजी मिलता है मेरे को यहाँ पे वहाँ पे मैं लगा लेता हूँ उस टेक्स्ट के बाद। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमें रिलेटेड इमोजी मिलने वाले थे वो यहाँ पे सब मिल चुके हैं। अब हमने यहाँ पे ओके कर दिया है। अब इसके बाद आपको कुछ इसे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेना है कि जिस हिसाब से पूरा फ्रेम में ही आए, फ्रेम के बाहर ये ना जाए। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ इस टाइप से रख लेंगे तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। आपको थोड़ा बड़ा या छोटा करने में टाइम लगेगा, तो आपको अच्छे से एकदम इसको कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये अगर परफेक्ट नहीं होगा तो आपको जो थंबनेल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें थोड़ा कलरिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पीले के ऊपर पूरा तो ब्लैक अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए हमने सारे में ब्लैक कर दिया। अब इसमें दोस्तों कोई टेक्स्ट ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करने में अच्छे लगेंगे, तो उसको दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे सिंपली से कलर वाले में आके उसको आपको कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चाय को सेलेक्ट कर लिया है। अब जो मैं इसका चाय का कलर है उसको थोड़ा चेंज कर दूंगा। इससे ऐसा करने से दोस्तों जो पर्टिकुलर वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है और ऑडियंस को अच्छे से समझ में भी आता है देखने में वीडियो किस टॉपिक पर और इस वीडियो का मोटिव क्या है। तो आपको दोस्तों ऐसा ही कर लेना है। ऐसे करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगेगा। बस आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से उसका जो कलर है वो डिफरेंट चेंज करना है। अगर आप येलो बैकग्राउंड रखते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली से उस पर ब्लैक और रेड का कॉम्बो रखना है। उससे जो आपके टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें एक और टेक्स्ट था, जैसे दुकान पे भी दोस्तों हमें हाईलाइट करने के लिए हम दुकान पे ले आए नीचे एरो को। अब इसके बाद दोस्तों जो इसका कलर है आपको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे रेड वगैरह रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने रेड रख लिया। दोस्तों हमारी इमेज गलती से नीचे चली गई तो हम इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दो काम और करने हैं दोस्तों। पहले तो आपको अपना लोगो लगाना है, तो इसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी लोगो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए जल्दी से मैं अपने चैनल का जो भी लोगो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास भी आपके चैनल का लोगो जरूर होगा, तो आपको इस टाइप से सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आपको राइट टिक कर देना है। फिर एरो को आपको छोटा करना है, माफ कीजिएगा दोस्तों एरो नहीं लोगो है, तो आपको इसको छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको छोटा कर लिया। फिर आपको इसे कॉर्नर में ले जाना है। कॉर्नर में ले जाते समय आप इस पोजीशन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इससे दोस्तों जहाँ पे भी आप अपनी छोटी से छोटी इमेज को ले जाना चाहते हैं इसकी मदद से आप आसानी से मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है जो पिक्सल ऐप में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से हम अपने पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। आप भी जो भी आपके लोगों का पोजीशन है उसको दोस्तों अपने थंबनेल में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा काम हो चुका है। अब दोस्तों आपको सिंपली से प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। और मैंने आपको एक PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो कि एक एरो PNG है, उसको दोस्तों आपको सिंपली से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, राइट टिक पे आपको क्लिक करना है। अब इसको दोस्तों आपको कुछ रोटेट करना है, तो इसके लिए आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इसे रोटेट कर देना है। जैसे आप इसे रोटेट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको इसको थोड़ा इस टाइप से कर लेना है। फिर आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ब्लैक रहना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर जो भी आपको यहाँ पे कलर मिलते हैं उनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए इसे इस टाइप से इसे सेलेक्ट कर लिया, और थोड़ा आप इसे रोटेट करना चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एरो अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसका जो शैडो है उसे इनेबल कर देना है, और इसका जो XY पोजीशन है इसको आपको थोड़ा दोस्तों ऊपर नीचे कर लेना है। तो जो भी ऑफसेट XY है इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने X को 5 पर रख लिया और Y को दोस्तों 6 या 7 पर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर फाइनली हमारे जो थंबनेल है वो एडिट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसे फुल HD पे एक्सपोर्ट कर लेना है। आप अल्ट्रा पे भी कर सकते हैं। जैसे आप सेव टू गैलरी करेंगे आपका थंबनेल सेव हो जाएगा।